क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दो, तो बना दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक पीडीएफ देने वाला हूँ, विद सॉल्यूशन भी रहेगी और विदाउट सॉल्यूशन भी, यानी कि कुछ एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और पास होने का जो है वो सॉल्यूशन के साथ है, और जिनको टॉपर बनना है उनको जो और क्वेश्चंस हैं उस पीडीएफ में वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, और ये फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं होगी, पासवर्ड लगा हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखोगे, लास्ट या बीच में पासवर्ड बता दूंगा, क्योंकि आपको वीडियो में कुछ बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। और भाई पेपर फोड़ के आओगे तुम लोग, बहुत ही मेहनत करके ये पीडीएफ तैयार कर दी है जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में, जो पेपर है तुम्हारा पहला ही। चलो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तुम्हें समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट मांग रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आराम से पढ़ लेना, डाउनलोड करके वो पीडीएफ के बारे में बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का ये पेपर है, ठीक है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस का टाइप समझ लो, इसी पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलेगा, और अभी एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट विद सॉल्यूशन, उसको आराम से घर पे बैठ के पढ़ लेना, कंप्यूटर साइंस का पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, यानी कि एक तरीके से यूआरएल की फुल फॉर्म ही पूछी जा रही है। तो ऐसे जितने भी फुल फॉर्म है, URL, LAN, WAN, HTTP, WWW, वो सारी की सारी रट लो भाई, एक नंबर दो नंबर पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे आप क्वेश्चन देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत हैं, HTML के क्वेश्चन भी बहुत हैं कि भाई HTML में जो है यहाँ पर टैग जो हैं कि भाई हेडिंग के लिए कौन सा टैग रहेगा, इटैलिक उसके लिए कौन सा टैग रहेगा, सबटाइटल के लिए कौन सा टैग रहेगा, तो जितने भी HTML के टैग हैं इसका भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2-3 नंबर पक्के हो गए हैं तुम्हारे, पक्के बता रहा हूँ ये, और ये आएंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद देखिए टैग का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, तो HTML टैग जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लो। और देखो पास होने के लिए तुम्हें बताऊँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है C++ वाला और एक कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला, ये 2 चैप्टर भी अगर तुम पक्के कर लेते हो तो भी तुम आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। और अभी टेंशन मत लो, विद सॉल्यूशन तुम्हें पीडीएफ देने ही वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आराम से पढ़ लेना। इसके बाद फिर से C++ का क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो, तो C++ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर ले। इसके बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए हैं, तो देखो ये दो है, एक दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अब इनको आप कर भी सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 नंबर कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना भाई अगर इतने ही टॉपर बंदे हो तो इनको यहीं प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे C++ के ही क्वेश्चंस आएंगे भाई, एरे क्या होता है, सिंटैक्स लूप क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, डिफाइन 2NF, 3NF, 1F, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एक बिल्कुल। इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी टर्म्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो उस पीडीएफ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी लिख दी हैं। C++ के देखो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो C++, कंप्यूटर नेटवर्किंग, HTML, ये 3 टॉपिक जो हैं इनको अच्छे से कर लो, बिल्कुल पास हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। इसके बाद देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही देखने को मिलेगा, तुम देख लेना चाहिए, पैटर्न यही मिलेगा, क्वेश्चंस की सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे। डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, इसके भी क्वेश्चंस हैं, मैन वैन लैन, जितने भी नेटवर्क्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये जो नेटवर्किंग है इसको अच्छे से कर लो भाई, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, फायरवॉल, वेब ब्राउजर, STP, ठीक है, जितनी भी हैं ये सारी, वेब ब्राउजर हो गया, फ्रेंड फंक्शन हो गया, कंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, जितनी भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पीडीएफ में है विद सॉल्यूशन, तुम्हें बस पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़नी है। इसके बाद हम बात करें, आगे देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये इस टाइप से आपका पेपर रहेगा, ठीक है, मैंने आपको पेपर दिखाया है पहले, अब मैं आपको जो है वो पीडीएफ दिखाता हूँ और डाउनलोड करने के लिए बताता हूँ पासवर्ड क्या रहेगा, डाउनलोड करके पढ़ लो, जो उस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ जाएगा, तैयार करके जाएगा, आराम से पास है भाई, आराम से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 12th कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, सबसे पहले मैंने विद सॉल्यूशन दिया है, ऐसे नहीं बस आपको क्वेश्चंस पकड़ा दिए, विद सॉल्यूशन है, तो ये सारी की सारी HTML, वेब ब्राउजर, फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, डाटा स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग, वेब एड्रेस, ईमेल, जितनी भी हैं सारी की सारी ये जो है तैयार होनी चाहिए तुम्हारी। यहाँ पर देखिए DML, DDL, LDC, सारी की सारी जो है सॉफ्टवेयर, हाइपरलिंक, इसके अलावा और जो बच गई वो भी तुम कर लेना तुम्हारे सिलेबस में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर दे दिए। इसके बाद क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाट इज HTML, एक्सप्लेन इट्स टैग, तो ये देख सकते हो सॉल्यूशन भी है इसका,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए हैं, ठीक है, 4-5 ज़्यादा नहीं दिए, ज़्यादा तुम्हें पढ़ने हैं, खुद प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं और कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन भी दिया है, ताकि भाई तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ो, ताकि तुम्हारे भी याद हो जाएं। अब सब कुछ मैं ही दे दूंगा तो फिर तुम जो है कुछ नहीं करने वाले, तो ये देख सकते हो। इसके बाद एरे सिंटैक्स लूप C++ में, उसका भी दे दिया है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स और इसके फंक्शन टाइप्स, इसका भी यहाँ पर देख सकते हो, लैन मैन वैन सारे के सारे हैं, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्शन का क्वेश्चन जो है विद सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर मैंने जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंगवाए थे, तो वो भी देख सकते हो आप लोगों के, इसको देख सकते हो, फुल फॉर्म कर लीजिए भाई, जो पेपर तुम्हारा आने वाला है देख लीजिए। HTML कोड के क्वेश्चन आ सकते हैं, C++ के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के एरे C++ प्रोग्राम क्रिएट करना, इसके बाद ये सारे टर्म्स हैं, इनका सॉल्यूशन तुम्हें ऊपर मिल ही जाएगा, इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन आ सकता है इनमें भी, व्हाट इज़ लैन, व्हाट इज़ मैन, व्हाट इज़ वैन, TCP, इसके बाद डिफाइन डाटाबेस, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, डिस्ट्रक्टर, व्हाट NF, प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, ये आपके छोटे क्वेश्चन MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के आ सकते हैं। देखो, टैग इज़ यूज्ड फॉर एडिंग लिंक्स टू HTML पेज। अब ये टैग जो है ये क्या पूछा है इन्होंने, एडिंग लिंक्स। अब हो सकता है एडिंग हेडिंग आ जाए, कुछ और आ जाए, यानी कि टैग जो है वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये देख सकते हो क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, टेंशन मत लो, हिंदी से अगर कोई है हिंदी मीडियम से तो वो भी है, मैं बताऊंगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है, ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है, ये मैं सोचो यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, इनको कर जाओगे, ये हिंदी के हैं, देख सकते हो तुम लोग। इसके बाद यहाँ पर जो है एक मुझे आपका जो सैम्पल पेपर आ रहा है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, तो वो भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, देख सकते हो, ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये PDF है भाई, ठीक है, ये PDF अपनी छोटी सी, इसको अपना डाउनलोड करके आराम से तुम लोग जो है इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद सॉल्यूशन भी है और कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए भी हैं। जो इस PDF का एक एक क्वेश्चन तैयार करके चला जाएगा और मुझे आकर बता देना कि भाई टॉपर बन रहा हूँ मैं, मिठाई का डब्बा ले आना, बिल्कुल कह रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन सोल्व जो है इसको कर लो घर पर बैठ के, सॉल्यूशंस भी हैं कुछ क्वेश्चंस के, कुछ एक आपको खुद सोल्व करने पड़ेंगे। देखो, थोड़ी बहुत मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, मानते हो या नहीं मानते। अब ये जो PDF है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसका पासवर्ड सुन लो, इसका जो पासवर्ड रहेगा PDF का वो रहेगा आपका 23 डालोगे और ये PDF ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाओ पढ़ो, विश यू ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम फोड़ के आना है। जय हिंद, जय भारत।